जय हिंद साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसकी कट ऑफ को लेकर, आखिर इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 14 नवंबर से इसकी परीक्षा चल रही है और 3 दिसंबर तक परीक्षा चलनी है। तो इसमें 24 तारीख तक जितनी भी शिफ्ट हो गई हैं उनसे पहले जो भी हमने रिव्यू दिया है उसी के आधार पर हम यहाँ पर कट ऑफ बताने वाले। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि दिल्ली पुलिस से संबंधित जो कुछ भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। अगर आपके इतने नंबर बढ़ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फिजिकल थोड़ा ज़्यादा टफ होता है। फिजिकल इतनी जल्दी फिजिकल कराया जाएगा जिससे कि यहाँ पर फाइनल कट ऑफ में भी अंतर देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पर फिजिकल जल्दी होता है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो वैकेंसी हैं इस बार काफ़ी वैकेंसी हैं, यानी कि 7547 वैकेंसी हैं और इसमें 32 लाख फॉर्म पड़ा था। ठीक है, 32 लाख फॉर्म पड़ा था, मगर आप सभी को पता है कि दूर सेंटर होने की वजह से तो लगभग आप मान सकते हो कि यहाँ पर जो कुल बच्चे बैठने वाले हैं 22 से 23 लाख ही बच्चे बैठने वाले हैं। इसी प्रकार की कहीं ना कहीं प्रेजेंटी देखने को मिल रही है, तो 22 से 23 लाख अभ्यर्थी आप मान सकते हो कि इस परीक्षा को देंगे। और आपको भी पता है 22 से 23 लाख में इतने बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो ऐसे ही मतलब पेपर देने गए होंगे। ठीक है, चलो दे आते हैं पेपर, सीरियस एस्पिरेंट इसमें बहुत कम होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर करेंगी कट ऑफ पर। अब आगे हम बताने वाले हैं आपका जो सिलेबस है, और जितनी भी मैं भी लगातार सभी शिफ्ट का रिव्यू दे रहा हूँ, सभी बच्चों से बातचीत भी चल रही, 3 शिफ्ट में आपका जो पेपर चल रहा है तो उनमें कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा बच्चा फंस रहा है तो GK GS में फंस रहा है करंट में। और मैं आपको बता दूं इसमें क्या है, जिस बच्चे का लगभग 30 से प्लस स्कोर रहेगा GS में, काट पीट के बता रहा हूं, ठीक है, 30 से प्लस स्कोर रहेगा और उसने मतलब रीजनिंग अच्छी खासी पढ़ी है और मैथ और कंप्यूटर में थोड़ा थोड़ा मतलब कर लिया, क्योंकि ऐसा होता है कि जिसका मैथ सही होता है तो कहीं ना कहीं GK GS थोड़ी वीक होती है, ऐसा होता है। ठीक है, आपके लिए, आप सभी के लिए नहीं है मगर कुछ बच्चों के लिए, कुछ बच्चे इसमें एग्री भी करेंगे। और जिसकी GK GS सही होती है तो कहीं ना कहीं उसे मैथ से डर रहता है, यानी कि GK GS सही है उसमें तो मार रहा है वो 30 प्लस, मगर मैथ में वही वो 5 भी नहीं कर पा रहा, इस प्रकार का कहीं ना कहीं ऐसा सीन होता है। मगर फिर भी आपको बता दूं ये कहीं ना कहीं लगातार बात करने के बाद जितनी भी शिफ्ट पूछी गई हैं रीजनिंग और मैथ की बात करें तो ये कहीं ना कहीं इजी पूछी गई हैं, चाहे मैथ की भी बात करें चाहे फिर हम रीजनिंग की बात करें। तो यहाँ पर जैसे कि रीजनिंग में लगभग 20 से प्लस बच्चा स्कोर कर रहा है अच्छी खासी तरीका से, जिसने आसानी से पढ़ी हुई है। और यहाँ पर मैथ की भी बात करें तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 10 स्कोर कर रहा है, मतलब काट पीट कर ये समझो कि इसमें जो बच्चा लगभग 30 नंबर ले आएगा, ठीक है, 30 नंबर इसमें और यहाँ पर 30 नंबर, ठीक है, जो बच्चा ला रहा है और लगभग 5 से 6 नंबर यहाँ पर, ठीक है, तो उसका यहाँ पर पूरी तरीका से आसानी से फाइनल सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का कहीं ना कहीं, और जो अच्छे बच्चे हैं तो उनका कहीं ना कहीं इसी प्रकार का अटैम्प्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, और देखो यही एक गुड अटैम्प्ट है, क्योंकि आप सभी को भी पता है कि 7547 पद हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सभी का सिलेक्शन हो जाएगा जिसने 32 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला है, सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिसमें टॉपर्स होंगे, जो बच्चे अच्छी तरीका से निकल कर आएंगे। तो ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखनी होंगी, तो उस हिसाब से अटेम्प्ट करना है। ऐसा तो है नहीं कि 50 पर हो जाएगा जनरल में, 40 पर हो जाएगा, इस प्रकार का ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ देखने को मिलेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो बच्चे परेशान है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी 3 शिफ्ट हो रही है, देखो कट ऑफ भी बताने वाले हैं, अगर आपको उतने नंबर भर रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। अब जैसे कि नॉर्मलाइजेशन आपका अभी 3 शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड और थर्ड में, लगातार मैं रिव्यू दे रहा हूँ। अब देखो जैसे कि मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट शिफ्ट में किसी बच्चे का 40 नंबर भर रहे हैं, ये आपको भी पता होगा, सेकंड में 50 भर रहे हैं, थर्ड में वो बच्चा 60 ला रहा है। ठीक है, अब आपको बता दूँ, अब इसमें इससे देखने के बाद अब यही चीज़ होगी कि लगभग जो फर्स्ट शिफ्ट रही है वो कहीं ना कहीं हार्ड रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा रहा है पेपर, उससे ज़्यादा ये मतलब थोड़ा जी आया है। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं फर्स्ट शिफ्ट वाले को इसके बराबर किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, अब ये फर्स्ट शिफ्ट वाले को यहाँ पर मतलब यहाँ पर उससे 10 नंबर बढ़ेंगे और इसके क्या होंगे 20 नंबर बढ़ा के इसके इक्वल कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। और नॉर्मली सी बात है, देखो जो शिफ्ट ज़्यादा हार्ड होगी उसे फ़ायदा देखने को मिलेगा, जो इजी होगी उसे कम फायदा देखने को मिलेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इजी शिफ्ट होती है, उन्हें यहाँ पर कुछ भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है नॉर्मलाइजेशन में। और देखो यहाँ पर ऐसे कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता कि आपकी शिफ्ट को ज़्यादा फायदा होगा या फिर किसी और की, क्योंकि आपको बता दूँ जो भी पेपर होता है कोई रियल पेपर तो मिलता नहीं है किसी को भी, जो बच्चे बताते हैं वो इसमें क्या होता है, जैसे कि अब जैसे कोई शिफ्ट हार्ड आ रही है, अब बच्चा वो पढ़ के गया वो तो इजी बताएगा, तो इस प्रकार ही कहीं ना कहीं तो इन चीज़ों में नहीं फंसा जाएगा। मगर इतना कह सकते हैं
कि आपकी जो बच्चे कहते हैं एक्यूरेसी पर फर्क पड़ता है कि नहीं। जैसे कि हमने सिर्फ 60 अटेम्प्ट किए और जो बच्चा 70 अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है, और ये ज़्यादा मतलब गलत कर रहा है, तो किसे फ़ायदा देखने को मिलेगा? तो मैं आपको बता दूँ, देखो एक्यूरेसी पर फ़र्क पड़ता है, अगर जितना आप अटेम्प्ट कम करोगे और एक्यूरेट करोगे तो वहाँ पर थोड़ा बहुत फ़ायदा देखने को मिलता है नॉर्मलाइजेशन में। अगर आपने ऐसा, और देखो बहुत सारे बच्चे ये भी है और कहीं की मानना ये भी है, देखो बहुत सारे बच्चे कहीं की 100 में 100 अटेम्प्ट कर देते हैं तो उतना मतलब फ़र्क नहीं, मगर फिर भी आपको बता दूँ एक्यूरेसी से फ़र्क पड़ता है नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन मैंने बता दिया कैसे किस प्रकार का होता है, जिसकी सिर्फ ज़्यादा हार्ड होगी उसे फ़ायदा देखने को मिलेगा। और जनरली देखा गया जो स्टार्टिंग की शिफ्ट होती है, फर्स्ट जैसे 14 नवंबर को पेपर हुआ स्टार्ट, यानी कि स्टार्टिंग से जो शिफ्ट होती है तो कहीं की पैटर्न का लेवल पता नहीं होता है, तो उन्हें फायदा देखने को मिलता है। जब पैटर्न का लेवल पता चल जाता है किस प्रकार का पैटर्न आ रहा है, तो बीच की शिफ्ट में इतना फायदा देखने को नहीं मिलता है। और जो शिफ्ट होती है वो कहीं की बदल भी जाती है, क्योंकि थोड़ा हार्ड रखने लगते हैं। और अभी जो शिफ्ट जैसे कि हमने 23 तारीख को 24 तारीख को भी बताया, तो थोड़ा आप कहीं की पेपर हार्ड रख रहे हैं जीके जीएस में, ठीक है। तो ये सारी चीज अब हम आपको बता दें, फिजिकल की कट ऑफ है, और ये फिजिकल की कट ऑफ है, ये आप सोच रहे हो कि फाइनल कट ऑफ नहीं है, फिजिकल के लिए कट ऑफ है, तो इसलिए ये मेल है और ये फीमेल है। और अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं, आपका रॉ मार्क्स इतना आ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ तैयारी करने लगो, क्योंकि फिजिकल में यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगेगा और यहाँ पर आपका रॉ मार्क्स है। देखो नॉर्मलाइजेशन में बच्चों के नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपके जनरल कैटेगरी में 62 से 65 के बीच में नंबर बढ़ रहे हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अभी आपने देखा होगा नोटिस 22 दिसंबर कह रहा है, हालांकि फिर भी आपको बता दूँ जनवरी से बाहर नहीं जाएगा आपका जो फिजिकल होगा। ओबीसी की बात करें 57 से 60 के बीच में, ईडब्ल्यूएस 53 से 56, एससी की बात करें 50 से 52 के बीच में, 50 भी आपका नंबर बढ़ रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। एसटी की बात करें 52 से 54, ये फिजिकली के लिए कट ऑफ है, न कि फाइनल कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। यही हम फीमेल की बात करें, अगर जनरल में 50 के करीब नंबर बढ़ रहे हैं फीमेल में, तो आप तैयारी करो। और देखो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे, ओबीसी 47, ईडब्ल्यूएस 45, एससी की बात करें 43, एसटी की बात करें 45, क्योंकि जो एसटी की कट ऑफ होती है वो हाई रहती है एससी पे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, अगर आपका इतना स्कोर बढ़ रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो, और ये फिजिकल के लिए स्कोर है। और आने वाले समय में देखो, पिछली बार देखा होगा, पिछली बार जैसे कि फाइनल कट ऑफ 10 नंबर का अंतर देखने को मिला 11 नंबर का, तो ये सारी चीज़ें देखो, अगर फिजिकल जल्दी होता है तो यहाँ पर कम ही अंतर देखने को मिलेगा, 6 से 7 नंबर का ही अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको बता दूँ फिजिकल इसका टफ होता है। तो इतने समय से अभी कोई बच्चा स्टार्ट नहीं करेगा, जैसा कि जिसके भी ज़्यादा नंबर बढ़ रहे हैं वो भी बच्चा कहीं ना कहीं स्टार्ट नहीं करने वाला है। तो अगर आपके इतने नंबर बढ़ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी, अगर आपके इतने नंबर बढ़ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और आप कोई भी डाउट वगैरह रहेगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और दिल्ली पुलिस से संबंधित जो कुछ भी डाउट होगा क्लियर करते